हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ठड़ाई क्लासेस में। दोस्तों मैं प्रवीण कुमार और आज आप लोगों को बताऊंगा एवरेज का पार्ट टू। दोस्तों जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हो वैसे इसके बाद ए वैसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो कल मैंने बात किया था कि अगर क्रमागत संख्याएँ रहे या तो सम हो या तो विषम हो या तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो तो उसका औसत कैसे हम लोग निकालते हैं। दोस्तों उसके और अगले कदम पे हम लोग चलेंगे और हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कल मैंने क्या पढ़ा था, जिससे अगर जो लोग नहीं देखे हैं उसको भी आगे की चीज़ें समझने में बिल्कुल आसानी हो सके। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग पीछे की बातें। मैंने बताया था मेरे दोस्त कि जो औसत होता है, देखिए इसमें तो केवल एक ही सूत्र यूज होने वाला है, ये सबको पता है कि जो औसत होता है यानी एवरेज जो होता है वो होता है कुल पदों का योग। क्या होता है मेरे दोस्त? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या, ये औसत होता है मेरे दोस्त। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, जिससे मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए आप लोग। देखिए औसत क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होती है। ऐसे अगर हम एक उदाहरण से समझते हैं, कल मैंने क्या सीखा था ये बता रहा हूँ आपको कि एक दिया है, तीन दिया है, पाँच दिया है, सात दिया है और मान लीजिए नौ दिया है। इनका यदि आपको औसत ज्ञात करना हुआ तो आप क्या करेंगे कि पहली बात, जो पहला क्या होता है, पहला मेथड, मेथड नंबर वन मैंने कल क्या सीखा था कि सभी को आप कुल पदों का योग करिए, जितने पद दिए हैं उनको सब जोड़ दीजिए। जैसे एक तीन पाँच सात नौ सबको आप जोड़ेंगे तो तीन एक हो गया चार, पाँच चार के तीन एक हो गया चार, पाँच चार नौ, नौ सात कितना होगा सोलह, सोलह नौ कितना हो गया पच्चीस, यानी क्या हो जाएगा पच्चीस, तो इनका योग हो जाएगा। औसत क्या निकालना है? अगर एवरेज आपको निकालना है तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने हैं इसमें? एक दो तीन चार पाँच, कितने पद हैं मेरे दोस्त? पाँच पद हैं। जब काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा? पाँच हो जाएगा, लेकिन औसत क्या हो गया इसका? पाँच हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड हमने क्या सीखा था? दूसरा मेथड हमने ये सीखा था कि यदि संख्या क्रमागत रहे, क्या रहे? यदि संख्या क्रमागत रहे यानी कि संख्याओं के बीच का जो अंतर हो वो सेम रहे। ये देखिए एक से तीन हो रहा है कितना का अंतर? दो का अंतर। तीन से पाँच हो रहा है कितना का अंतर? दो का अंतर। पाँच से सात हो रहा है कितना का अंतर? दो का अंतर। सात से नौ हो रहा है कितना का अंतर? दो का अंतर। तो इन सब में किसका जितने भी नंबर लिखे जाएंगे, तो अगर आगे और रहेगा तो ग्यारह रहेगा, आगे और रहेगा तो तेरह आएगा, मतलब इसे क्रमागत कहेंगे संख्याएं। इसके लिए हम क्या कहे थे कि जो बीच की संख्या होती है, क्या जो औसत मतलब क्या होता है, एक औसत मतलब आपको बताए थे, औसत मतलब माध्य होता है। माध्य का मतलब क्या होता है? बीच, यानी जो बीच में होगा वही क्या होगा? औसत होगा। तो यहाँ से देखिए एक तीन पाँच सात नौ, इधर देखिए इधर दो पद हो गया, इधर दो पद हो गया, जो बीच का होगा वही क्या होगा? एवरेज होगा। क्या होगा? एवरेज होगा, पाँच होगा। तो ऐसे ये हो गया दूसरा मेथड, यानी जो बीच का होगा, यानी बीच का कौन है मेरे भाई? तो बीच का आप देखें तो कौन है? इधर से दो पद, इधर से दो पद, तो बीच का क्या होगा? पाँच होगा। ऐसा कब होगा? कब हम बीच का देखेंगे? शर्त ये है कि वो कैसा होना चाहिए? कंजुगेटिव नंबर होना चाहिए, क्रमागत नंबर होने चाहिए, यानी कि दोनों सभी में क्या होना चाहिए? सेम अंतर होना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड भी हमने क्या सीखा था औसत निकालने का? तीसरा मेथड क्या हमने सीखा था? ये देखिए किन्हीं दो नंबर के अगर बीच का निकालना हुआ तो ऐसे, तो मान लीजिए ये नंबर पता है आपको कि एक दो तीन चार पाँच, दो पद इधर कर दिए, दो पद इधर कर दिए, तो आप निकाल दिए। लेकिन अगर दे दिया एक से सौ तक तो बीच का आप नहीं बता सकते हैं, कौन सा बीच देख कर तो नहीं बता सकते हैं ना। अगर मान लीजिए दे दिया कि एक से निन्यानवे तक का औसत बताना है तो आप बीच का तो इसमें नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, बीच का निकालना हुआ तो आप कहेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या और लास्ट वाली, यानी जब क्रमागत हो तो पहली प्लस लास्ट वाली, इसमें क्या है? नौ, और डिवाइडेड बाई क्या है? टू।
यानी 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे दोस्त 10 हो जाएगा, और 10 में हम लोग 2 का भाग दें तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर देखिए 5 आ गया। और यहाँ भी है कि यहाँ पर अगर 1 से 99 तक दे दिया तो बीच का हम लोग बता सकते क्या करेंगे, पहली संख्या एवरेज निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या डिवाइडेड बाई 2, यानी 99 क्या हो जाएगा 100, और 100 बाई 2 हम लोग क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो गया। अगर थोड़ा सा आपको दिख रहा है तो आप क्वालिटी अपने वीडियो को बढ़ा लीजिए, जिससे आप क्या करेंगे आसानी से अच्छे तरीके से आपको वीडियो क्वालिटी तो बहुत अच्छे जा रहा है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अपने वीडियो का जाकर क्वालिटी 360 पी पे कर लीजिए, या तो आप और अधिक 480 पी पे देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने कल ये सीखा था, और आगे हम लोग बात करते हैं और आगे हम लोग कदम रखते हैं औसत में, देखते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको दे दिया कि एक से मान लीजिए आपको दे दिया 1 से 4 तक वर्गों का औसत। अभी तो हम देखे थे बस संख्या अगर बस संख्या थी तो हम लोग निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर सभी के वर्गों का औसत आपसे पूछा है। पहले छोटे से हम लोग समझते हैं, तो देखिए आप 1 से 4 इसका मतलब क्या बोला है कि जो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी जो जितनी भी संख्याएं हैं इनका औसत आपको पूछा है कि एवरेज क्या होगा। देखिए अगर इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, इसका तो होता है 9, इसका होता है 16। आप ज़रा ध्यान से समझेंगे आप तो 1 से 4 हो रहा है यानी 3 का अंतर है, 4 से 9 हो रहा है 5 का अंतर है, 9 से 16 आ रहा है तो इसका मतलब क्या 7 का अंतर है। इसका मतलब इसको हम नहीं देख सकते हैं कि सब में क्रमागत है, यानी सब में समान का अंतर ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए एक ही फार्मूला है, क्या है, सभी को जोड़ के क्या करिए, सभी को जोड़ेंगे यदि, अगर एवरेज बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, एवरेज बराबर होता है सभी को जोड़ दीजिए, आप जोड़ के जितने पद है उतना भाग दे दीजिए। अगर आप जोड़ेंगे तो 16 9 कितना हो गया 25, 25 4 कितना हो गया 29, 29 1 कितना हो गया 30, तो 30 तो योग हो गया, लेकिन पद कितने हैं, तो 1 2 3 4 कितने पद हैं मेरे दोस्त, 4 पद हैं। तो यहाँ से जब आप इसमें भाग देंगे 30 में 4 का, तो कहेंगे 4 4 7 कितना हो गया, 4 7 28 हो गया, 28 हो गया, यहाँ से क्या बचेगा 2, और दशमलव बढ़ा के क्या हो गया 20, यानी क्या हो जाएगा 7.5, यानी एवरेज क्या निकला 7.5 निकला। लेकिन यहाँ तो 1 से 4 तक दिया था तो आप आसानी से कर लिए, लेकिन बोल दिया कि 1 से 10 तक, 1 से 100 तक, तो ऐसे में सभी को जोड़ने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए देखिए आपको पता है, क्या पता है आपको, क्या औसत निकालने क्या चाहिए आपको, सभी संख्याओं का योग चाहिए, और उसके बाद दूसरी चीज़ का चाहिए, पहली बात तो योग चाहिए, दूसरी बात कितने हैं पद चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, कितने इसका योगफल कितना होगा और उसका पद कितना होगा ये पता होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर एक बात हम लोग जानते हैं कि यदि, एक बात हम लोग क्या जानते हैं कि वर्गों का योग, यदि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, वर्गों का योग क्या, क्रमागत संख्याएं, अगर क्रमागत संख्याएं हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं के वर्गों का योग हम लोग क्या जानते हैं, हमारे पास होता है n, कोष्टक में n प्लस 1 और यहां से 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या होता है मेरे दोस्त 6 होता है। ये तो होता है यदि लगातार संख्याओं के वर्गों का योग यदि आपको करना है तो n कोष्टक में n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 ए होता है। यहाँ से तो योग हो गया, अब पद कितने हैं, जितने संख्याएं रहेंगी उतना क्या होगा पद होगा, यानी पद कितने मिल गए आपको, पद कितने होंगे n होगा तभी नहीं लगाएंगे n तक, यानी जब वर्गों का योग करना होगा तो जो हमारा एवरेज होगा वो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, योग पहले करेंगे तो n कोष्टक में n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 6, और उसके बाद कुल पदों का योग हो गया, कुल पदों की संख्या, तो पद कितने हैं इसमें n पद होंगे, तो n से अगर भाग देंगे हम तो मेनली क्या निकल जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब थोड़ा सा करते हैं, यदि जैसे यही दिया है कि 1 से 4 तक के वर्गों का औसत निकालना है तो इसका मतलब n की जहाँ पर क्या है, n बराबर क्या है मेरे दोस्त 4 है, यन जब क्या है 4 है, यहाँ पर जब हम रखेंगे इसको तो देखिए 4 यहाँ पर रखेंगे तो 4 एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा,
गुड़े, इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए औसत निकालना है चार तक का, तो इसके लिए हम कर रहे हैं, ध्यान समझिए आप। यहाँ करेंगे पाँच हो गया, और अकोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ से गुणा लगाएंगे। टू एन प्लस वन, दो गुणे एन, एन का मतलब क्या है चार, तो चार दूनी क्या हो जाएगा आठ, आठ एक क्या हो जाएगा नौ, यानी नौ हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना होगा छः। अब देखिए यहाँ से दो से काटेंगे, तीन से काट लीजिए, तीन तरीके नौ हो जाएगा और तीन दूनी क्या हो जाएगा छः हो जाएगा, तो हो जाएगा पाँच तीन पंद्रह, और हो जाएगा पंद्रह बटे क्या हो जाएगा दो, करेंगे तो क्या हो जाएगा सात दशमलव पाँच। देखिए मेरे दोस्त क्या हो गया, सात दशमलव पाँच, जो कि एवरेज पहले से यहाँ पर आ रखा था। तो समझाने का मतलब ये है कि आपके पास जो फार्मूला है, कितना ही बड़ा संख्या दिया रहे उसका हम लोग क्या करेंगे, औसत प्राप्त कर सकते हैं। अगर लगातार संख्याओं का यदि वर्गों का निकल दिया है और उसका औसत पूछा है, तो n प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखा कि क्रमागत संख्याओं, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का औसत का फार्मूला क्या हो जाएगा, औसत का जो फार्मूला हो क्या निकला है हमारे पास, n प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। क्या निकला है, n प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखें क्रमागत लिखा है ना, अब ये देखिए इसमें क्या होना चाहिए, एक नोट पॉइंट आपको ये लिखना चाहिए कि हमेशा एक से शुरू हो, क्या हो, एक से शुरू होना चाहिए तभी ये सूत्र लगेगा। किससे शुरू होना चाहिए, एक से शुरू होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ, एक प्रश्न मैं आप लेता हूँ कि एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर करते करते आपको दस का स्क्वायर तक आप क्या करना है, इसका औसत प्राप्त करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, औसत प्राप्त करना है आपको। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो यहाँ से एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन स्क्वायर, एक का हो जाएगा एक, दो का हो जाएगा चार, तीन का हो जाएगा तीन, अब नौ का हो जाएगा इक्यासी, दस का हो जाएगा क्या, तो ऐसे आपको जोड़ के दस से भाग देने में प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए फार्मूला जो है ए वाला उस पर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ तो आपको पता है कितने पद होंगे, एक से स्टार्ट है, इसका मतलब एन बराबर क्या होगा, दस ही पद होगा, इसके लिए एन बराबर क्या होगा, दस पद होगा। यहाँ पर रखते हैं जो कि फार्मूला है, लगातार वर्गों का योग क्या होता है, एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, तो यहाँ करेंगे एन की जहाँ पर 10 प्लस 1, एवरेज का मतलब क्या होता है, जो औसत होता है, यहाँ पर 10 रखे प्लस 1 और कुछ दूसरे उस टाइम में 2 गुणे 10 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, कोष्टक का मतलब गुणा है, तो 10 दुना क्या हो जाएगा 20 और 20 से क्या हो गया 21, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21 बटे क्या हो जाएगा 6। तो तीन से यदि भाग देंगे तो तीन दुना क्या हो जाएगा छः, तीन सत्तर क्या हो जाएगा 21, यानी अगर आप यहाँ 11 गुणे 77 क्या, 77 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 77 बटे 2 कितना हो गया मेरे दोस्त, अगर 77 बटे 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 38 दुना 76, यहाँ पर क्या आप भाग देंगे तो कितना आएगा 76.38.5, यहाँ से क्या होगा 77 38 दुना क्या होता है 76, ये 77 है, यानी 38.5 क्या हो जाएगा इसका एवरेज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एवरेज। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको फार्मूला मिल गया तो आप चाहिए 1000 2000 कितना भी क्वेश्चन आप कर दीजिए। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और जैसे जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आपको ये है कि एवरेज जो सूत्र मैंने बता दिया क्या है, एन प्लस वन टू एन प्लस वन सिक्स, आप कितनों ही उधार लेकर आप कर लीजिए, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होना चाहिए, हमेशा एक से शुरू होना चाहिए, नोट क्या है कि हमेशा एक से शुरू होना चाहिए। तो एक से जितना भी पद जाएगा उतना क्या एन का मान हो जाएगा, अब एन का मान निकल गया तो किसी भी संख्या का आप करके देख सकते हैं, एक से 100 तक दे सकते हैं, एक से 50 तक वर्गों का योग दे सकते हैं, एक से 25 तक जितना आपको करना है उतना कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला है, इस पर लगा सकते हैं। और हम लोग और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले पर। देखिए दोस्त, और आगे हम कड़ी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो आगे अगर आपको दे गया कि क्रमागत घनों का औसत
क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगी। क्रमागत यहाँ पर ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, आप सब अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक घनों के औसत, प्राकृतिक संख्या के घनों के औसत क्या है, प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। और नोट ये होना चाहिए कि हमेशा जो घन हो वो एक से शुरू होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक से शुरू होना चाहिए। आप लोग एकदम आपको जैसे क्लास में आपको देखने को मिलेगा वैसे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगा। और आपको पता है कि जो अच्छा होते अच्छे लोग और अच्छे बुक सबको समझ में नहीं आता है, जो यहाँ पर टीके रहेंगे बाकी लोग तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो टीके रहेंगे वही कुछ अच्छा सीख के जाएंगे और वही क्या है सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि अगर देखिए 100% यदि लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से बहुत होते थे 5% क्या होते हैं सिलेक्शन लेते हैं, तो जो होते हैं 95% वो यहाँ पे भागने वाले होते हैं, लेकिन जो 5% होते हैं वही रुककर सीखने वाले होते हैं। अगर आप उसी में है सिलेक्शन लेने वाले तो यहाँ पर रुककर सीखेंगे, अगर 95% में होंगे तो चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर जो रुककर सीखेंगे उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, अगर हम बात करें, अगर एक का क्यूब है, अगर दो का क्यूब है, तीन का क्यूब है और चार का क्यूब है, पहले छोटे से हम लोग समझते हैं। तो एक का क्यूब कितना हो गया, एक, दो का क्यूब दो दूनी चार, कितना हो गया, दो दूनी चार दूनी आठ हो गया, यहाँ से आठ हो गया। तीन का तीन त्रिक नौ त्रिक कितना हो गया, 27, और चार चौके 100 का 64 हो गया। तो पहले जो हमारा सूत्र होता है उससे हम लोग औसत देखेंगे, बाद में फार्मूला क्रिएट करेंगे उससे देखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हमें क्या, अगर एवरेज निकालना हुआ, सिंपल सी बात, एवरेज निकालना हुआ तो हम क्या करते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी क्या सबको जोड़ेंगे, तो 7 4 हो गया 11, 11 8 19, 1 20 20 की 0 हो गया, हासिल लगा 2, फिर 6 2 8 8 2 कितना हो गया, 10, यानी क्या हो गया, 100 हो जाएगा। और मेरे दोस्त इसमें क्या है, 1 2 3 4 कितने पद हैं, 4 पद हैं, यानी पदों की संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। क्या आ गया मेरे दोस्त, 25 आ गया। तो यहाँ से एवरेज क्या निकल गया, 25 निकल गया। तो अब समझिए आप, आ गया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि औसत निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, औसत निकालने के लिए चाहिए क्या। जनरली हम बात करें कि औसत निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, संख्याओं का योग चाहिए। क्या चाहिए, पहली बात तो संख्याओं का योग चाहिए, और दूसरी बात क्या चाहिए आपको, पदों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए, पदों की संख्या, पदों की संख्या चाहिए। पहली बात क्या चाहिए, योग चाहिए, और दूसरी बात पदों की संख्या चाहिए। तो यहाँ से देखिए, अगर हम बात, जनरली हम लोग जानते हैं एक बात कि अगर प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हम लोग को पता है। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या रहे उनका घनों का योग हमें प्राप्त करना रहे तो वो हमको पता है क्या होता है, यन कोष्टक में यन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ये होता है कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्या रहे उसके घनों का योग क्या होता है, यन कोष्टक में यन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का क्या, होल स्क्वायर। अगर इसको हम और हल करें तो यन का स्क्वायर, यन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि घात में इसके भी पावर 2 हो जाएगा और इसके भी पावर 2 हो जाएगा। तो हमें क्या है, अगर हमें औसत निकालना हुआ, इससे थोड़ा सा समझते हैं, अगर औसत निकालना हुआ तो हमें क्या चाहिए, योग बटे के क्या चाहिए, योग बटे के कितने टर्म्स हैं यानी कितने पद हैं ये चाहिए। तो योग तो हमें दे रखा है कितना, यन स्क्वायर कितना दे रखा है, यन स्क्वायर यन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया। और पद कितने हैं इसमें, यन, अगर यन पद नहीं होता तो हम लोग यन तो लेते नहीं, यानी यन कितना पद है, यन, यानी यन यन से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा यन कोष्टक में यन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यन कोष्टक में यन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होगा। अगर लगातार संख्याओं के क्रमागत संख्याएँ हैं और उनके घनों का औसत आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ से देखते हैं कि जब इसी क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि अगर 4 तक रहे तो क्या 25 आता है, क्या ये हमारा फार्मूला जो निकला है वो वास्तव में सही है, हम चेक करते हैं। तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं इस फार्मूले को,
चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए एक से चार तक घनों का हमें औसत पूछा है, तो पहले यन बराबर क्या है, इसके लिए यन बराबर क्या है, चार है, क्योंकि चार तक दिया है। तो सूत्र पे रखते हैं यन, यानी यन की जहाँ क्या है, अगर एवरेज आपको निकालना हुआ, एवरेज निकालना हुआ क्या करेंगे, पहले तो यन रखेंगे यानी कि चार रखिए, उसके बाद यन प्लस वन, इसका मतलब चार और प्लस वन, चार प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फोर। तो यहाँ से मेरे भाई चार से तो चार कैंसिल हो गया, और यहाँ से चार एक क्या हो जाएगा पाँच, और पाँच का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, पच्चीस होगा। चार का स्क्वायर कितना होगा, पच्चीस होगा। देखिए आपके सामने है कि जब इस सूत्र से हमने निकाला तो क्या आ गया, पच्चीस आ गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फार्मूला हमारा बिल्कुल सही है, और हम ये भी श्योर हो जाते हैं कि जितना भी बड़ा क्वेश्चन मिलेगा हम आराम से कर सकते हैं फार्मूला के बेसिक पे, चाहे वो 500 तक दिया रहे, चाहे 10 तक दिया रहे, चाहे 200 दिया रहे, लेकिन जनरली 10 तक देता है, 15 तक देता है, बहुत अधिक नहीं देता है, क्योंकि परीक्षा का ये नहीं होता है कि आपसे कैलकुलेशन करवाए, आपको क्या चीज़ें पता है कि नहीं पता है ये आप जानकारी चाहता है, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं देगा, लेकिन एक क्वेश्चन के माध्यम से और हम लोग सीखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपसे दे दिया कि एक से आपको दे दिया 10 तक, ये पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसे दे दिया कि एक से दस तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या दे दिया, घनों का औसत ये आपसे पूछ दिया कि घनों का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया। तो क्या हो जाएगा इसमें, एक से दस तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछ दिया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहली बात तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि हमारे पास सूत्र क्या होता है, यन कोष्टक में यन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है, फोर होता है। ये हमारा क्या सूत्र है, घनों का औसत का सूत्र होता है। तो यहाँ से यन बराबर क्या निकल गया, यन बराबर क्या है, दस है। यहाँ पर यन बराबर क्या है, दस तक पूछा है, यन बराबर क्या है, दस है। यहाँ रखते हम लोग, यहाँ पर रखते हैं तो हो जाएगा क्या, दस हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, दस प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फोर। यहाँ से क्या हो जाएगा, दस हो जाएगा, और गुणे दस से क्या होता है, ग्यारह। दस से क्या हो गया, ग्यारह। ग्यारह का क्या है, स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, फोर हो गया। यहाँ से देखिए दस गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ से 121। ग्यारह के स्क्वायर क्या होता है, ग्यारह गुणे ग्यारह कितना होता है, 121 होता है, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, फोर हो गया। दो से करेंगे तो दो दूना क्या हो जाएगा, चार, और दो से क्या हो जाएगा, पाँच। जब इसको करेंगे तो पाँच एकम क्या हो गया, पाँच हो गया, पाँच दूनी क्या हो गया, दस, दस के जीवा से लगा एक, पाँच एकम पाँच एक क्या हो गया, छः, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टू। जब इसको भाग देंगे तो दो तीन कितना हो गया, छः हो गया, यहाँ पे जीरो, फिर दो दूनी क्या हो गया, चार, दो दूनी क्या हो गया, चार, अब यहाँ पर एक बचेगा, दशमलव बढ़ा के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 302.5 क्या हो जाएगा, पाँच। यानी औसत आपको क्या हो गया, 302.5 क्या हो गया, पाँच। यानी एक से दस तक अगर आपको घनों का औसत निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे। तो पहले हमने सीखा कि कैसे वर्गों का औसत निकालते हैं, लगातार वर्ग दिए रहेंगे तो कैसे औसत निकालेंगे। सूत्र होता है n प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, उस पर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कर लेंगे। दूसरी बात हमने सीखा कि अगर लगातार घनों का औसत आपसे पूछा है तो क्या करेंगे, उसके लिए सूत्र होता है n कोष्टक में n प्लस वन का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई फोर, तो इस पर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए दोस्त, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं और अगला कदम रखते हैं। देखिए क्या है, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, जनरली आप सीखते जाइए, जैसे आप लोग करते हैं वो मैंने आपको विधि बताऊंगा, उसके बाद अपना भी विधि बताऊंगा, जिससे आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बहुत ही आपको ध्यान से देखना है। देखिए क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 10 व्यक्तियों, यानी 10 कोई बॉयज हैं, 10 बॉयज हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ, अब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि 10 बॉयज का कभी दिया रहेगा कि 10 बॉय का अगर औसत आपको दिया है 5 वर्ष, 10 बॉय का अगर आयु कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है औसत आयु, और दिया है मान लीजिए 20 गर्ल का औसत आयु दिया है 8 वर्ष दिया है, तो आपको पूछेगा कि टोटल यानी कि बॉय और गर्ल दोनों के कुल औसत आयु कितनी है, ये आपसे पूछेगा। तो आपको पता है जनरली आप लोग कैसे करेंगे, मैं ये आपको बता देता हूँ कि देखिए 10 अगर बॉय हैं तो इनका औसत आयु अगर आपको दिया है कितना, आपको 5 वर्ष दिया है, और दूसरी बात है क्या, 20 जो गर्ल हैं उनका औसत आयु कितना दिया है, 8 वर्ष दिया है।
8 वर्ष दिया है, तो टोटल का आपको पूछेगा कि कितना औसत आयु पूरे क्लास का होगा, तो ये आपको समझना है। तो देखिए, अगर आपको देखिए अगर औसत दिया है, कुल पदों का संख्या दिया है, तो आप कुल पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, यदि देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यदि आपको कुल पदों का योग प्राप्त करना हुआ तो आप क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, एवरेज करेंगे और क्या करेंगे, गुणा संख्या से करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या औसत निकालने के लिए आपको चाहिए, क्या औसत निकालने के लिए आपको चाहिए कि औसत निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, कुल पदों का योग चाहिए, कुल पदों की संख्या चाहिए। तो अगर देखिए अगर 10 बॉय यानी लड़के हैं, उनका औसत आयु 5 है, तो उनके सभी का औसत आयु का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 10 × 5। सही बात है, 10 × 5 यानी क्या है, अगर निकालना है आपको 10 है और आपको क्या योग निकालना है, तो योग बराबर क्या होता है, एवरेज, यानी एवरेज कितना दिया है 5, और 5 दिया है एवरेज, और संख्या क्या है 10 लोगों की है, यानी क्या हो जाएगा 5 यानी 10 × 5 = 50 हो गया। मैं इसकी बात करूं अगर लड़की की, तो 20 का औसत आयु 8 वर्ष है, तो यहां से योग कितना, मतलब लड़की सभी लड़कियों के औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कि देखिए हमें क्या होता है, एवरेज ले लीजिए, सिंपल सी बात, एवरेज हम ले लिए, और गुणे क्या ले लीजिए आप, संख्या ले लीजिए, कितनी संख्या है 20, यानी 20 वाटी कितना हो जाए 8 × 16 यानी 160 हो गया। अगर टोटल की आपको पूछेगा कि टोटल का कितना योग हो, अगर टोटल का हम योग निकालें तो टोटल का योग कितना हो जाएगा, टोटल का योग हो जाएगा कितना, 160 + 50, अगर जोड़ेंगे तो 0 यहाँ पर 0 हो गया, 56 × 11 = 1 के एक हंसी लगा, 1 × 1 = 2 हो गया, कितना हो गया 210, टोटल कितने हो जाएंगे 210 हो जाएंगे। तो आपको क्या औसत हो जाए, टोटल तो ऐसे योग है, लेकिन पद कितने हो जाएंगे, पद कितने हो जाएंगे, देखिए पहले तो बॉय 10 हैं और गर्ल कितने 20 है, यानी टोटल कितने 30 लोग हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 30 लोग हो जाएंगे। तो बस अगर आपको औसत चाहिए, अगर आपको औसत चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगर आपको औसत चाहिए तो आप कहेंगे सर योग तो पूरा 210 मिला है लड़की और लड़कों का, और आपको क्या मिला है, अगर पद देखें तो 10 लड़के हैं, 20 लड़कियां, यानी मिलाकर 30 लोग हैं, तो टोटल का मिला के अगर 0 करेंगे कितना 3 × 7 = 21, यानी कितना जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7 औसत हो जाएगा, यानी सभी के औसत क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आप तो जनरली आप करते हैं, लेकिन ऐसा करने आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक बात, ध्यान समझते जाइए, और अगला जो क्वेश्चन मैं दूंगा और सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है और सीजीएल लेवल में आता है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन आप चुटकियों में चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अभी लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, क्योंकि आप जोड़ेंगे तभी कॉन्फिडेंस से मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बता सकूंगा। तो देखते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन में यदि आपको दिया है तो आप क्या करेंगे, देखिए क्या दिया है 10 संख्या, पहले ऊपर तो क्या रहेगी संख्या रहेगी, ये आपको ध्यान देना है कि 10 बॉय का औसत कितना है, मेरे भाई 5 है, क्या है 10 का क्या है 5 है, और मैं कह दूं 20 गर्ल का कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 8 है। ध्यान समझते जाइए, नीचे संख्या ए है और नीचे क्या है एवरेज है, ऊपर क्या है संख्या है, नीचे एवरेज है। एक काम करिए आप, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप काम करिए, जितने भी संख्या रहेंगी ना उनको अनुपात में बदल दीजिए, अनुपात का मतलब इन सबको क्या करिए, इससे काटेंगे तो 10 एक कम हो जाएगा 10, 10 दुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 एक कम 10, 10 दुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब मेरी बात समझिए, जो औसत होता है, अगर 2 का औसत दिया है तो औसत क्या होता है, अगर इसका औसत 5 है इसका औसत 8 है तो क्या होगा, औसत इन दोनों के कोई बीच का होगा, यानी 5 से अधिक होगा और 8 से क्या होगा कम होगा। तो जब भी होगा 5 से क्या होगा अधिक होगा, क्या होगा जब भी होगा 5 से अधिक होगा ना। और उसके बाद देखिए 5 से अगर नंबर में देखें तो कितना अधिक है ये, अगर कितना अधिक है, अगर एवरेज में देखें तो भैया कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 3 अधिक है, कितना अधिक है 3 अधिक है, कितना का अधिक है 3 अधिक है कितना 2, जो नंबर हमने अनुपात लिखा है इसका, तो कितना अधिक है भैया 2 का, यानी 3 × 2 = क्या हो जाएगा 6, यहाँ 3 × 2 = 6 हो गया क्या योग, मतलब इतना अधिक है तो इतना तो अधिक है, लेकिन औसत में कितना अधिक है ये समस्या है, 3 × 2 = 6 इतना तो अधिक है, औसत में कितना अधिक है, देखिए भैया इतना तो अधिक है लेकिन क्या किसका कितना में पद कितने हैं 2, 1, 3 तीन पद है, यानी 3 × 2 कितना क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा इसका 2 आ जाएगा, यानी 2 औसत क्या है अधिक है, वही 2 औसत इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 × 2 क्या हो जाएगा 5 × 2 कितना होगा 7, यानी औसत क्या हो गया 7 हो गया। देखिए यहाँ से हम निकाले आया 7
बहुत ज़्यादा परिक्रमा करना है ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है पहली बात ध्यान समझिए, सात तो आया लेकिन क्या करना है, पहले जितनी संख्या दिए रहेगा ये देखिए, उसके बाद उनका औसत लिख लीजिए नीचे, ऊपर संख्या नीचे औसत, उसके बाद संख्या का अनुपात निकालिए, 10 है 20 है अनुपात एक संबंधी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि औसत जो होगा वो इन दोनों का किसी बीच का होगा, यानी 5 और 8 के बीच में होगा, तो सिंपल सी बात है कि 5 से अधिक होगा लेकिन 5 में जोड़ना पड़ेगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, 5 में जोड़ना पड़ेगा। अब कितना जोड़ना पड़ेगा, औसत जोड़ना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 5 से कितना अधिक है तो आप कहेंगे 3 अधिक है, कितना का 2 का, यदि ये अधिक है कितना, अगर देखिए तीन तीन अधिक होंगे कितने लोग, 2 लोग अधिक होंगे ना, तो 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, 6 अधिक होंगे लेकिन क्या होगा, ये 6 तो अधिक होंगे लेकिन औसत निकालना है, तो योग तो निकल गया, औसत कितना होता है योग बटे संख्या, संख्या कितने लोग हैं 2 1 3, 3 लोगों में तो औसत आ गया 2, यानी 2 औसत अधिक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 5 + 2 कितना हो गया 7 हो जाएगा। बात समझ में आई, हम लोग क्वेश्चन करते हैं और हम लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो ये किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा औसत अंक क्या होगा, मतलब औसत अंक पूरे विद्यार्थियों का क्या होगा। तो ये वही क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि SSC CGL प्रारंभिक में क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, दिया है 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है 51 है, 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है मेरे भाई, 8 विद्यार्थियों के औसत कितना है 51 है, और 9 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है 68 है, 9 विद्यार्थियों के कितना है मेरे भाई 68 है, तो आपको दिया है कि टोटल विद्यार्थियों का औसत कितना होगा, टोटल विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना होगा। तो आप अगर नहीं जानते होंगे तो आप क्या करेंगे, 8 का यदि 51 है तो योग कितना हो जाएगा इन सब का, अगर औसत आपको निकालना होगा, अगर जनरली जैसे आप अपने नियम से निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर कि 8 × 51 ये योग हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे जोड़ के, आप क्या करेंगे 9 × 68 हो जाएगा ये करेंगे, अब क्या करेंगे बटे में क्या करेंगे, आप करेंगे कि कितने लोग होंगे 8 × 9 कितना होंगे 8 और +9 कितने हैं 17 लोग हैं, तो यहाँ से आपका औसत ये निकलेगा। मान लीजिए ऐसे करेंगे भी तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई और रास्ता है छोटा तो हम लोग इसको क्यों अपनाएं, यहाँ से गुणा करिए फिर जोड़िए फिर निकालिए तो अब क्या दिक्कत होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम दूसरे तरीके से करें तो क्या होगा, सबसे पहले आप देखें कि ये क्या है संख्या है, ये क्या है स्टूडेंटों की संख्या है, और ये क्या है मेरे भाई औसत है सबका, ये क्या है औसत है, तो आपको पता है कि संख्या जितनी रहेगी उनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात पहले से 8 ≡ 9 है, इसको काटने की कोई जरूरत नहीं कटेगा। अब देखिए जो औसत होता है इन दोनों क्या होता है बीच, पहले तो आपको बताने में टाइम लगेगा, दूसरा आप अपने से बहुत जल्दी करेंगे, तो देखिए ये क्या होगा 51 से जब भी होगा औसत अधिक होगा और 68 से जब भी क्या होगा कम होगा, इतना आपको पता है, यानी जो एवरेज होगा वो क्या करने 51 में कुछ जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि 51 से जब भी अधिक होगा तभी ना 68 के बीच में होगा, 51 68 के बीच में होगा 51 से अधिक होगा। अब देखिए वास्तव में ये कितना अधिक होगा, तो यहाँ से 51 से 68 कितना अधिक है, तो इसमें से घटाएंगे तो 8 में 1 गया 9, 6 में ले गया 5, कितना अधिक है मेरे भाई, तो आप देखेंगे यहाँ से 8 में ले गया 7, 6 में ले 5 गया, यानी 17 अधिक है। अगर 17 अधिक है लेकिन कितना 9 का, यानी 17 अधिक है कितना में 9 में, यानी कि क्या पूरे कितना अधिक है 17, यहाँ पर गुणा करेंगे क्या ना 17 और गुणे 9 कितना 9 × 7 = 63, 63 हाँ से लगा 6, फिर 9 का 9 × 6 कितना हो गया 15, यानी 153 क्या है अधिक है, 153 अधिक हो गया, ये तो योग हो गया ना, औसत में कितना अधिक है, तो आप कहेंगे पूरे कितने लोग हैं 8, 9, 17 लोग हैं, ये क्या होगा 17, तो 17 × 9 कितना हो गया 53, 17 × 9 = 153, यानी क्या होगा 9 औसत अधिक है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 51 × 9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 60 हो जाएगा, यानी औसत क्या निकल जाएगा 60 निकल जाएगा। क्या करना है एक बार और ध्यान समझिए, जो संख्या दिया रहेगा उनका क्या करना अनुपात में लिखना है, तो ये अनुपात में वो टूटेगा नहीं, बात सही है, यहाँ पे इसका 51 है इसका क्या है 68 है, अब इससे कितना अधिक है तो आप कहेंगे 17 अधिक है, कितना 17 कितने लोगों में 9 लोगों में अधिक है, 17 × 9 = 153 अधिक है, ये तो योग है इतना, लेकिन टोटल कितने लोग हैं 9 × 17 लोग भाग देंगे तो औसत कितना अधिक हो जाएगा 9 अधिक हो जाएगा, यानी 51 में 9 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कक्षा के यक्ष के अनुभाग ए के 32 लड़कों के अंकों का औसत 60 है, क्या दिया है 32 लड़कों का औसत कितना है 60 है,
32 लड़कों का औसत क्या दिया है, 60 दिया है, जबकि यक्ष यन भाग में बी 40 लड़कों के औसत का है, 33 है। 40 लड़कों का औसत कितना है मेरे भाई, 33 है, तो सॉरी 33 यहाँ पर क्या है, 33 है। तो दोनों अनुभागों को मिलाने पर अंकों का औसत कितना होगा, यानी टोटल बोला है, टोटल का औसत कितना होगा, इसमें कितने मतलब संख्या कितनी है, इसमें 32 है और संख्या जब 32 है तो औसत कितना है, 60 है, इसका 40 है तो कितना है, 33 है, यानी क्या ऊपर संख्या हो गया और नीचे क्या हो गया, औसत हो गया। टोटल का पूछेगा यानी मिलाकर पूछा है आपसे, तो देखिए पहली जो संख्या रहती है उसका अनुपात याद करिए, अनुपात मतलब 8 से काटेंगे तो 8 चौक की 32, फिर 8 पच्चीस क्या आ जाएगा, 40, यानी दोनों में किसका अनुपात हो गया, 4 संबंधे 5 का अनुपात हो गया। अब यहाँ से देखिए, जब भी औसत बीच का होगा ना, यदि सबको मिलाया जाए तो औसत क्या होगा, बीच का होगा, यानी 33 से अधिक होगा लेकिन 60 से क्या होगा, कम होगा। तो औसत जो होगा वो क्या है, 33 से जब भी होगा क्या होगा, अधिक होगा, इतना आपको पता होना चाहिए, सबसे क्या होगा, 33 से अधिक होगा। और देखिए 33 से 60 कितना अधिक है, आप बताइए कि 33 से 60 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 27 अधिक है, यही आप बोलेंगे ना, 33 से कितना अधिक है, 27 अधिक है, 60 में 33 घटाए मेरे भाई तो 27 आएगा ना। अब 27 तो अधिक है लेकिन कितना, कि 27 अधिक है कितना, चार में ना, चार लोगों में, यानी 27 गुणे 4 हो जाएगा। अब 27 गुणे 4 हो गया, 27 गुणे 4 ये तो हो गया मेरे भाई योग, लेकिन पूरे लोग कितने हैं, 5 4 9, यानी 9 लोग हैं, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27, यानी 3 चौके 12, यानी 12 क्या है, अधिक होगा, यानी इसमें 12 जब जोड़ेंगे आप तो 3 2 कितना हो गया, 5 3 1 कितना हो गया, 4, यानी औसत कितना हो गया मेरे भाई, 45 हो जाएगा। तो अगर आपको ये नियम समझ में आया है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहेगा। देखिए कल मैंने जो भी पढ़ा था औसत का बेसिक पढ़ा था, उसके बाद मैंने आज कुछ और आगे कदम रखा है, और देखिए कोई भी आपको नहीं छूटेगा, आपको जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, SSC GD का अभी होने वाला एग्ज़ाम है, और पेट के बाद जो लेखपाल वाला आने वाला है उसके लिए, और बाकी BDO लेखपाल SSC GD बाकी CGS SSC CGS सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जैसे आप क्लास में सीखते हैं वैसे आप यहाँ पर सीखेंगे। तो आप लोग आराम से 7 बजे BGO आपको मिलता है, तो 7 बजे आप लोग खाना खाकर अच्छे से आप लोग बैठिए और आराम से आप लोग सीख लीजिए। अगर आपको करना है क्लास, यदि आपको ऑफलाइन क्लास करना है, अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है सीधा क्लास में बैठकर, तो इसके लिए आपको 99 36 95 92 और 93 ये नंबर है, क्या है, 99 36 95 92 93 ये है शुभम सर थड़ाई क्लासेस, शुभम सर, इनसे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो इस नंबर पे जरूर संपर्क करिए, नहीं तो ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।